हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। पिछले काफी दिनों से एक्ट्रेस नेहा धूपिया चर्चाओं में बनी हुई है। एमटीवी के शो रोडीज में एक कंटेस्टेंट पर नेहा भड़क क्या गई, चारों ओर नेहा की आलोचना की जाने लगी। हालांकि बॉलीवुड के कुछ स्टार्स ने नेहा धूपिया का साथ भी दिया है, जिनमें सयानी गुप्ता और साकिब सलीम का नाम शामिल है। वहीं अब नेहा का साथ देने उनके पति अंगद बेदी सामने आए हैं। क्या है अंगद बेदी का कहना? अंगद ने नेहा के साथ अपनी 5 फोटो शेयर की हैं। इन फोटोज को शेयर करते हुए अंगद ने लिखा है कि सुन मेरी बात, ये है मेरी 5 गर्लफ्रेंड्स, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेहा धूपिया ने शो में ऑडिशन देने आए एक कंटेस्टेंट की जमकर क्लास लगाई थी, क्योंकि उस कंटेस्टेंट ने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हुए बताया था कि उसके 5 लड़कों के साथ अफेयर्स है। जब इस बात का उसे पता लगा तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठा दिया। इस इंसिडेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ये साफ देखा गया कि नेहा ये बात सुनकर भड़क उठती हैं और उस कंटेस्टेंट को कहती हैं कि उसे किसी भी लड़की पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है और वो उसकी खुद की चॉइस है। वीडियो के सामने आते ही नेहा को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि अंगद बेदी ने भी इंस्टाग्राम पर किए गए पोस्ट के जरिए नेहा का सपोर्ट किया है। बताते चले कि नेहा पर फर्जी नारीवाद का भी आरोप लगाया जा रहा था। बात को बढ़ता देख नेहा ने हाल ही में इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। नेहा ने अपने बयान में क्या कहा? बता दें कि नेहा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपनी सफाई में लिखा है कि मैं पिछले 5 साल से रोडीज का हिस्सा हूं। इसने मुझे देश के सभी हिस्सों से एक टीम बनाने का मौका दिया, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से जो कुछ हो रहा है उसे मैं स्वीकार नहीं करती हूँ। हाल ही में एक एपिसोड में मैंने हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। एक लड़के ने बताया कि उसकी पार्टनर ने उसे धोखा दिया था। इसके बदले में लड़के ने लड़की के साथ मारपीट की। ये बात मुझे गलत लगी। मैं चीटिंग करने वालों का सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। हर शख्स की अपनी पसंद है, उसे इसका पूरा हक है कि वो अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक चले, मगर किसी के साथ मारपीट करना सही नहीं है। पिछले 2 हफ्ते से मेरे पेज ही नहीं बल्कि मेरे परिवार, दोस्तों और टीममेट्स को भी गाली वाले मैसेज आ रहे हैं। मेरे पिता का व्हाट्सएप भी गालियों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि मेरी बेटी के पेज पर लोग गालियाँ लिख रहे हैं और ये मुझे मंजूर नहीं है। I don't want to comment on anybody specifically, but I think what Neha wanted to say was no kind of abuse is all right. And I think whether it's on a man or a woman, it is wrong. Physical abuse and any kind of violence, especially any kind of abuse and violence is completely wrong. So and there is no justification for that. You know, even what's been happening in our country right now, I think we constantly need to keep talking about how violent the human race has become. And you know, it's really disturbing, because I don't know why, where so much angst and so much, you know, there's this thing of hitting somebody else, right? And physically harming somebody else, and intolerance. I think that's something that we need to introspect as a community, as human beings, you know, as individuals. So I think that I completely agree with. Yeah.